जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की है। कुछ पर्सनल रीजन थे या कोई फैमिली प्रॉब्लम थी या कोई दूसरा एग्जाम था जिसकी वजह से वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरफ के लिए तैयारी नहीं कर पाए। अब उन्होंने पूरा टारगेट बना लिया कि अब ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम दिन रात एक कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, लेकिन हमें हर हाल में जून 2024 में ही जरब क्वालिफाई करना है। तो यदि आपने पूरा टारगेट बना लिया है, आपने बिल्कुल ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए जून 2024 में हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। लगभग 10-12 मिनट का ये वीडियो बनेगा, लेकिन आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी मदद करेगा। वीडियो की थंबनेल पर लिखा हुआ है कि मात्र 200 घंटे में भूगोल से जरब पास करने के लिए क्रैश कोर्स। हमने एक ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स तैयार किया है। ये जो क्रैश कोर्स है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना है। और हमने ये जो क्रैश कोर्स है इसमें टोटल 200 घंटे की क्लासेस बनाई हैं। और यदि आप इन 200 घंटे की क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ हर हाल में आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करोगे। ये जो 200 घंटे की क्लासेज हैं इनमें हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से सब कुछ बताऊंगा कि ये 200 घंटे की क्लासेज आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 200 घंटे की क्लासेज में आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ये 200 घंटे की क्लासेज हमने किस तरीके से तैयार की हैं, इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कितना चार्ज रहने वाला है, सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। यदि आपके पास समय का अभाव है तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर आप 1.5 कर सकते हो या 1.75 कर सकते हो, लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा जो ज्योग्राफी का हाईएस्ट स्कोर था वो था 99.999%। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि मैंने सेकेंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया है। तो अब हम बिना देरी किए अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो ज्योग्राफी का हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है। अब यदि आप ऐसा वैसे ही देख रहे हो इस वीडियो को तो भाई आप मत देखो, लेकिन यदि आपका टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखो। अब ये जो हमने 200 घंटे की क्लासेस तैयार की हैं कंप्लीट ज्योग्राफी की, तो ये जो 200 घंटे की क्लासेस है ना, इनका भी सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हमें हर हाल में इन 200 घंटों की क्लासेस के बेस पर जरब क्वालिफाई करना है, वो भी जून 2024 में। अब हमने ये 200 घंटे की क्लासेस किस तरीके से तैयार की है, कौन कौन सी यूनिटों को हमने शामिल किया है, ये सारा सब कुछ मैं अब आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न को समझने की। देखो, यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। बहुत अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न को समझने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमने इन 10 यूनिटों को टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया। और इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। ठीक है, जो सेशन बी है इसमें हमने केवल 4 यूनिट शामिल किए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, जहाँ से फिलहाल में लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। यदि 2020 से पहले की बात की जाए तो इन 4 यूनिटों से लगभग 65% पेपर बनता था जिसके बेस पर जरब क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन अब यहाँ से केवल 25% पेपर बन रहा है। अब दूसरा होता है सेशन ए, जिसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिटों को शामिल किया, और ये जो 16 यूनिट है यहाँ से फिलहाल में लगभग 65% पेपर आ रहा है। और ध्यान रखना, ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, ये लगभग 99
परसेंट ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी अच्छे तरीके से तैयार नहीं होती, 1% से भी कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी ये 16 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार होती हैं और उनका जरफ हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, हम किसी से भी डिस्कस करते हैं या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं या किसी प्रोफेसर से बात करते हैं या 2020 से पहले जरफ क्वालिफाई कैंडिडेटों से बात करते हैं तो हर कोई ये बताता है कि फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो जरफ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके बेस पर आप नेट और जरफ तो बहुत दूर की बात है आप अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कौन सी यूनिट के कितने घंटे के वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो 1 घंटे का हमने बनाया, टोटल 200 घंटे का हमने कंटेंट तैयार किया, तो इसके टोटल हमने 200 क्लासेस बनाई हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हमने 13 घंटे की क्लासेस बनाई हैं, रीजनल प्लानिंग 12 घंटों में कंप्लीट किया, कार्टोग्राफी 10 घंटों में, जियोटेक्निकल 10 घंटे में है, स्टैटिकल ज्योग्राफी 6 घंटे में, थॉट 17 घंटे में, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी 7 घंटे में, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को 11 घंटे में कंप्लीट किया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को 9 घंटे में, सेटलमेंट ज्योग्राफी को 11 घंटे में, सोशल ज्योग्राफी को 8 घंटे में, कल्चर ज्योग्राफी को 6 घंटे में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को 12 घंटे में, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को 8 घंटे में और EVS और करंट अफेयर दोनों को हमने टोटल 12 घंटे में। तो इस तरीके से सेशन ए की जो 16 यूनिट है जहां से 65 क्वेश्चन आते हैं इनके हमने टोटल 152 घंटे के वीडियोस बनाए हैं। कितने? 152 घंटे के 152 वीडियोस बनाए हैं इन 65 क्वेश्चनों के लिए और ये वीडियो हमने रिकॉर्डेड कर लिया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको तो केवल यूनिट वाइज तरीके से प्लेलिस्ट खोलनी है और सिक्वेंस वाइज तरीके से वीडियो की स्पीड बढ़ाकर वीडियो को सुनना है। आपको लगता है कि हम वीडियो को नहीं सुनेंगे, हम तो डायरेक्टली PDF से पढ़ेंगे, तो आप डायरेक्टली PDF से भी पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के चैप्टर वाइज तरीके से आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप डायरेक्टली PDF से भी पढ़ सकते हो, वीडियोज भी देख सकते हो, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो कभी कॉल कभी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470 जो केवल और केवल आपकी हेल्प करने के लिए। तो 65 क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए हमने कितने घंटे की वीडियो बनाई है? इन 16 यूनिटों के टोटल 152 घंटे की वीडियो बनाई है। अब हम बात करते हैं सेशन बी के ऊपर। देखो सेशन बी में हमने जियोमॉर्फोलॉजी को टोटल 24 घंटे की वीडियो बनाई है, ओशनोग्राफी का 15 घंटे का है, क्लाइमेटोलॉजी का 14 घंटे का है और इंडिया ज्योग्राफी का हमने वीडियो नहीं बनाया। इंडिया ज्योग्राफी की मैं आपको 90 पेज की एक PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। सपोज डेट एग्जाम में इंडिया ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं जो 90 पेज की PDF दूंगा ना उस 90 पेजों में से लगभग 8-9 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यदि एग्जाम में 14 क्वेश्चन आते हैं इंडिया ज्योग्राफी के तो 8-9 क्वेश्चन वो जो मैं 90 पेज की PDF प्रोवाइड करूंगा ना वहीं से बनेंगे। तो इन 3 यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के हमने टोटल 53 घंटे के वीडियोस बनाए हैं और इसके अलावा ये 90 पेज है तो इन चारों यूनिटों का कॉन्टेंट हुआ 53 घंटे के वीडियोज प्लस 90 पेज और यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारी बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से तैयारी हो सके और हम अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंटेंट किस तरीके से मिलने वाला है। जैसे जियोटेक्निकल की यूनिट हो गई, सेटलमेंट ज्योग्राफी की हो गई, पॉपुलेशन की हो गई, ट्रांसपोर्ट ट्रेड की हो गई, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की हो गई, ठीक है, EVS का हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हो गया, सोशल ज्योग्राफी का हो गया, कल्चर ज्योग्राफी का हो गया, जियोटेक्निक्स का हो गया। अब यहाँ पर देखो हमने फोल्डर भी बना रखा है, यहाँ पर आपको फाइल मिलेंगी, फाइल का मतलब PDF मिलेंगी और यहाँ पर ये आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। जैसे आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जैसे आपने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को ओपन किया तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की जो 10 क्लासेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो 11 वीडियोज हैं वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोशल ज्योग्राफी के 6 वीडियोज हैं जो आपके सामने आ जाएंगे, ऐसे ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हमारे यहाँ पर टोटल 17 क्लासेज हैं जो आपके सामने बिल्कुल सिक्वेंस वाइज तरीके से आ जाएंगी। तो आपको क्लासेज देखने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और दिक्कत आती भी है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24x7 अवेलेबल हूँ। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सके? भाई सबसे पहले हमने जो सेशन ए की जो 16 यूनिट है जिनके हमने टोटल 152 घंटे के वीडियोस बनाए हैं
जहाँ से 65 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेशन एक ही जो 16 यूनिट है इनको यूनिट वाइज तरीके से बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, मतलब 152 घंटे के वीडियोस देखेंगे। चाहो तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो 65 क्वेश्चन आएंगे इन 16 यूनिटों से, यदि हम इन 152 घंटे के वीडियोज़ को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आसानी से हम 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं यहाँ से। सेशन बी से प्यारे साथियों 25 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं इनके आपको 53 घंटे के वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस में 90 पेज की वो पीडीएफ है। यदि आप उनको अच्छे तरीके से देख लेते हो, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो 25 क्वेश्चनों में से बहुत ही आसानी से कम 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और सेशन सी 10 क्वेश्चन आएंगे आरसी के, 2 आरसी आएंगे, 5-5 क्वेश्चनों की। इनके मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो तरीका मैं बताऊंगा, जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, आप गारंटी के साथ है आप 10 के 10 आरसी के क्वेश्चन ठीक करोगे। तो इस तरीके से आप ये जो 200 घंटे की क्लासेज है इनसे बिल्कुल आसानी से 70 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से 70 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और 200 घंटे को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार सुन सकते हो। भाई आप वीडियो देखो तो वीडियो के डायरेक्टली स्पीड बढ़ाओ और 1.50 पर करो, 1.50 पर वीडियो की स्पीड ठीक ठाक रहती है, उससे आप सुनो। जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके डायरेक्टली आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपको याद नहीं है उनका क्या बनाओ, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाओ। यहाँ पर ये जो 200 घंटे की क्लासेज है इनमें हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, सारा सब कुछ आपको पढ़ना है। आपको केवल इतना करना है कि जब आप इन वीडियोस को सुनते हो या पीडीएफ से पढ़ते हो तो साथ में एक दूसरी कॉपी लेकर बैठो, ताकि जो आपको याद नहीं है उसको आप तुरंत के तुरंत नोट डाउन कर सको और आपके वेरी स्मार्ट शॉर्ट नोट्स तैयार हो सके, ठीक है। अब मैं इन कंटेंट की विशेषता बता देता हूँ। भाई हमने ये जो 200 घंटे का कंटेंट तैयार किया है बिल्कुल 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस कंटेंट का टारगेट केवल नेट जरफ का एग्जाम है। यदि आप किसी सेट के एग्जाम के लिए भी ले रहे हो तो ये आपके लिए उचित नहीं है। भाई हमने ये 200 घंटे का कंटेंट तैयार किया केवल नेट जरफ के लिए तैयार किया है, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलने वाला है। और आप इन 200 घंटे की क्लासेस को देखकर, 200 घंटे की क्लासेस की पीडीएफ को पढ़कर बहुत ही आसानी से 70 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, और जिनके बेस पर आपका जरफ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमने फर्स्ट पेपर का भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, वहां पर भी आपको सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, कभी भी व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और इनके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो। अब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। देखो यहाँ पर आपको अभी भी रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से रिविजन करवा सकें। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सारी क्लासेज मिलेंगी आपको, पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब हम चार्जेज के बारे में डिस्कस कर लें। यदि आप केवल ज्योग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो चार्ज है 3,000 रुपये, जो अभी ऑफर में 1,700 रुपये। यदि आप दोनों पेपर के लिए बैच लेना चाहते हो तो चार्ज है 4,500 रुपये, जो अभी ऑफर में केवल 2,500 रुपये है। तो बहुत सुनहरा मौका है, सच में जब आप चाहते हो तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और अपने सपनों को पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों।